मुस्लिम युवक घर में करता है पूजा पाठ, पहनता है भगवा वस्त्र, सनातन धर्म में है आस्था। कानपुर में अपनी तरीके का एक अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक बचपन से ही हिंदू धर्म को मान रहा है, मगर ये बात उसके घर वालों और ससुराल जनों को नागवार गुजर रही है। नतीजा, उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जो है आपके क्या बोलते हैं, आपके मुशीर नाम है उनका, वो भी हमको मतलब धमकी दिया करते हैं, हम आपको मरवा देंगे और आपकी माँ को, और जो हमारी वाइफ है वो भी, उनको भी बहुत आपत्ति होती है और भगवान के विषय में बहुत गंदी गंदी संदी बातें ये लोग सब किया करते हैं। क्या धमकियां देते हैं? यही धमकियां देते हैं कि हम आपको और आपकी माँ को मरवा देंगे, और कहें हम तो ऐसे धर्म में जाके मंदिर में हम मूतते हैं, जाके हम पेशाब करते हैं। ये हमारी सास ने खुद कहा, हमसे खुद ये बात बोली कि आप जो है, हम जब शाम को लौटते हैं तो कहें गांव देहातों में मंदिर में जल्दी दरवाजा नहीं होता, मैं तो वहाँ जाके मूतती हूँ और आप इस चीज़ को मानते हैं। दुनिया की भद्दी भद्दी बातें और भगवान के विषय में बहुत गंदा संदा सब बोलते हैं, और साथ में धमकी देते हैं कि आप नहीं मानोगे तो हम आपको मरवा देंगे, आपको और आपकी माँ को। कहाँ के रहने वाले हैं जी? कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये लोग बिनकी के रहने वाले हैं, मतलब गांव खूटा। आपने कभी शिकायत भी की है कोई थाने में? जी हाँ, आज मैंने ये सब से बहुत परेशान होके आज मैंने बाकरगंज ये बाहुपुरवा थाने में एक वो लिखाई है, एप्लीकेशन लिखाई है। सर क्या मांग करते हैं योगी जी से? योगी जी से बस यही मांग हम ये करते हैं कि हमको सनातन धर्म में मतलब शामिल किया जाए और हमको ये पापियों लोगों से बचाया जाए। सर मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के चार राठ चौराहे के पास रहने वाले मुस्लिम युवक जुनैद का है, जो भगवा वस्त्र पहनकर रहता है और मंदिर भी जाता है, भगवान गणेश की मूर्ति भी अपने पास रखता है, मगर अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पीड़ित युवक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। ऐसा मामला संज्ञान में आया है, उसने एप्लीकेशन दिया, उसकी जांच कराई जा रही है और उसके बाद विधिक कार्रवाई की। NBT ऑनलाइन के लिए कानपुर से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।